सभी सीकर्स ऑन द पाथ, जो सत्य की खोज में है, प्रेम की खोज में है, तप शब्द को मिस कर जाते हैं। ओशो का जीवन तो अक्सर हमें बड़ा सेलिब्रेटिव, नाश्ता गाता जीवन दिखता है। फ्रीडम की बात कर रहे हैं, कुछ भी करो, जैसा मर्जी करो, तप भूल जाते हैं। तप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ओशो की, कि 21 साल की तक की उम्र में तप देखा उनका आपने, एक बेड़ा घाट जगह है जबलपुर में, ओशो का बचपन काफी बीता वहां पे, एक जगह है वहां, उसका नाम बंदर कूदनी, नीचे या नीचे नर्मदा नदी बहती है, ऊपर एक पहाड़ी सी है बंदर कूदनी, काफी हाइट है उस जगह में। तो वहां से ओशो बचपन में चढ़ के नर्मदा जी में छलांग लगाया करते थे। देखने में खेल भी लग सकता है, बच्चे की शरारत भी लग सकती है, देखने का भाव है, बट मेरे देखे वो तप है। ही इज ट्राइंग टू कट थ्रू ऑल द फियर्स विद इन हिज ओन सेल्फ। ऐसा तो नहीं होगा कि बचपन से उनके भीतर भी डर नहीं था, हर बच्चे में होता है, डाला जाता है, तो उनमें भी डाला गया होगा, माँ बाप से, सोसाइटी से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से। बट ये चढ़ते हैं उस पहाड़ी पर, कूदते हैं नदी के अंदर, और उनकी उम्र का कोई बच्चा नहीं कूद पाता। What is going on? Is he a daredevil only? No. तप है। उस उम्र से he is working on himself, अपने अपने फियर को, अपने भय को काट रहे हैं उसी उम्र से। प्रश्न पूछते हैं लोगों से तो उनको मालूम है आलोचना होगी, बट प्रिय और अप्रिय का भाव तप से त्याग रहे हैं, तप है। आलोचना को स्वीकार कर रहे हैं वो तप है। इस बच्चे को बहुत लोग गाली देते हैं, तप है। ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ दैट। तपस्या है, और ये तपस्या फिर खत्म नहीं होती 21 साल के बाद भी। When he enters into the public life, जब वो अपनी करुणा के प्रति, अपने प्रेम के प्रति, पूरी ह्यूमैनिटी पे जो उनकी करुणा है उसके वश में, करुणा के वश में, when he enters into the public life, जब वो सत्संग डिस्कोर्सेस का एक सिलसिला शुरू करते हैं, संन्यास का सिलसिला शुरू करते हैं, he doesn't have any home, कोई घर नहीं है उनका, सालों तक कोई घर नहीं है ओशो का, ट्रेन घर है उनका, रेलगाड़ी, he keeps moving on the train from one destination to another destination। उस जमाने की ट्रेन्स, आज की भी खैर बहुत कुछ अच्छी हालत में नहीं है, बट उस जमाने की ट्रेन्स जो घंटों लेट होंगी, जिनके टॉयलेट साफ नहीं होंगे, जिनमें बदबू आ रही है, ये व्यक्ति निरंतर उन ट्रेन्स पे सफर करे सालों तक आपको मुझे जगाने के लिए, तप है। कोई घर नहीं है इस व्यक्ति का, जहां एक हफ्ते के ट्रैवल के बाद वो जाके दो हफ्ते विश्राम कर सके। He doesn't have any home. He lives wherever people host him. हर जगह कैसा खाना, कैसी रहने की व्यवस्था, साफ ना साफ, मिर्ची ना मिर्ची, जैसी व्यवस्था, he is okay with that. Because करुणा इतनी भीतर गहरी है, मोहब्बत हम सब के प्रति इतनी गहरी है, that he is willing to take all of that on himself. तप है। फिर सिलसिला आगे बढ़ा, आश्रम बना फाइनली, बड़े आश्रम का निर्माण हुआ, सैकड़ों कोर्ट केसेस, बट ही इज नॉट स्टॉपिंग, ही डजंट केयर, और ही इज विलिंग टू टेक ऑन, बिकॉज उनको मालूम है कि ये मेरे शब्द जो मैं आज बोल रहा हूं,
ये हजारों सालों तक कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस को उठाएंगे, हजारों सालों तक निरंतर बोल रहे हैं, उनके बोलने पे उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं, झेल रहे हैं, ले रहे हैं, ही इज टेकिंग ऑल ऑफ दैट ऑन हिमसेल्फ। तब है गूगल पे सर्च करो आप ओशो, तो जो पहला सर्च रिजल्ट आएगा वो आएगा इंडियन सेक्स गुरु, क्या तगमा दिया लोगों ने उनको। ही इज स्टिल टेकिंग दैट ऑन हिमसेल्फ, इट इज ऑल राइट। तपस्या दृष्टि की बात है, देखने की बात है। इफ यू कैन यू लिव अ लाइफ लाइक दैट, चैलेंज योर सेल्फ। 3 महीने घर छोड़ के देखना और ऐसे ट्रेनों में सफर करना हिंदुस्तान में, और देखना कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है। No, it is very difficult. I have done that sometimes. It is very difficult. It is not easy. Unless आप तपस्या के तप के भाव में हो, नहीं हो पाएगा। और उस तप का बीज या तो बहुत गहरी पुकार हो, या बहुत गहरी करुणा हो, या बहुत गहरी लॉन्गिंग हो, या बहुत गहरी करुणा हो, तभी वो तप हो पाएगा। अगर लॉन्गिंग उतनी गहरी नहीं है या करुणा मोहब्बत उतनी गहरी नहीं है तो ये तप संभव नहीं।